Hi friends, this is Asif from Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. Today, I would like to discuss landmark topic of insurance and banking law, which is mentioned in our case mat. Topic का नाम है Bill of Exchange. तो चलिए Bill of Exchange को आसान शब्दों में समझते हैं. इस वीडियो में हम Bill of Exchange को दो तरीके से समझेंगे. पहला तरीका होगा साधारण शब्दों में, यानी कि layman के language में समझेंगे. उसके बाद हम लोग law के point of view से Bill of Exchange को समझेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण शब्दों में समझते हैं. मान के चलिए कि मेरा जो काम है, मुख्य काम है सामान बेचना. मैं एक सेलर हूँ और मैं सामान बेचता हूँ. एक परचेजर मेरे पास आता है और 50,000 रुपये का सामान मुझसे खरीद लेता है और बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं बाद में आपको पे करूँगा. तो मैं बोलूँगा कि मुझे आपकी बातों पे तो भरोसा है नहीं. तो ऐसा करते हैं, मैं एक पेपर लेता हूँ, उस पेपर पे ये ऑर्डर लिख देता हूँ कि आप स्पेसिफाइड डेट को स्पेसिफिक अमाउंट जो है पे करेंगे, उस पर आप साइन करके दे दीजिए. तो वो जो परचेजर है वो ऐसा ही करता है, वो साइन करके मुझे दे देता है. तो ये जो पेपर है जो मैंने उससे साइन करवा के रख लिया है, इसे ही हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. अगर हम फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो लगभग वही फीचर्स हैं जो प्रोमिसरी नोट के फीचर्स हैं. जैसे कि जो डॉक्यूमेंट साइन होगा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो साइन होगा, उसमें मेकर का साइन जरूरी है और साथ ही साथ जिस आदमी ने उधार लिया उसका भी साइन जरूरी है स्टंप के साथ. दूसरा ये है कि यहाँ पर प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस टू पे होता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे होता है. तीसरा ये है कि यहाँ पर जो ऑर्डर टू पे होगा वो अनकंडीशनल होगा, साथ ही साथ सर्टेन मनी होगा, यानी कि मनी जो है स्पेसिफाइड मेंशन होना चाहिए, पार्टी की सर्टेनिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ ये जो है कोई बैंक नोट या फिर करेंसी नोट नहीं है. तो चलिए अब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज को समझते हैं. सेक्शन 5 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है, जिसमें ये कहा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर मेंशन होता है और उस ऑर्डर पर मेकर का साइन होता है जो डायरेक्ट करता है सर्टेन पर्सन को कि ऑर्डर देने पर वो सर्टेन पर्सन जो है वो मेकर को वो अमाउंट पे करे या फिर इस इंस्ट्रूमेंट का जो बियरर है उसको वो सर्टेन अमाउंट जो है पे करे. अब आते हैं पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होते हैं, जिसमें से पहला पार्टीज होता है ड्रोवर. तो देखिए ड्रोवर का मुख्य रूप से 3 काम होता है. पहला काम ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेकर है वो ड्रोवर होता है. दूसरा ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करने वाला ड्रोअर होता है. और तीसरा काम ये है कि क्रेडिटर जो होता है, जिसका काम है पेमेंट को रिसीव करना, वो भी ड्रोअर ही होता है. दूसरा पार्टी होता है ड्रोई. ड्रोई जो है वो पर्सन होता है जिसके नाम से बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉन किया गया है. और जो ड्रोई होता है एक तरह से देखा जाए तो वो डेप्टर होता है, यानी कि जिसने पैसे उधार लिए हैं, और ड्रोई को ही हम एक्सेप्टर भी कहते हैं. और तीसरा पर्सन होता है पेई. पेई वो पर्सन होता है जिसके नाम पर पेमेंट किया जा सकता है, और पेई जो है ड्रॉअर खुद भी हो सकता है या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो के लास्ट में मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट जो है स्क्रीन पे ही अटैच कर दिया है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसा होता है. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.